वेलकम आप सभी का मैं पीके प्रेमेश सेंटर कॉलेज। कैसे आज आप लोग? सब बढ़िया, आशा करता हूं सब बढ़िया है। देखिए आज हम लोग जा रहे नए और मस्त टॉपिक है और आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक बहुत ही स्पेशल मोटर है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। याद रखिएगा आज के सेशन से आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, कोई भी पेपर एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आपको दो क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं यानी 100%। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास अगर आप कंटिन्यू करते हैं और समझ जाते हैं तो आपको दो नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मिनिमम दो नंबर हम बोले, मैक्सिमम तीन या चार, लेकिन एक एग्जाम में एक चैप्टर से तीन या चार क्वेश्चन होते हैं, इससे दो क्वेश्चन एकदम परमानेंटली होते हैं। तो इसको बहुत ही आराम से देखेंगे और इजी तरीके से हम इसको क्या करेंगे समझेंगे। समझ आपको ध्यान से देखिएगा, एक बार मिसिंग नहीं, कोई फोन कोई कॉल कोई व्हाट्सएप आता है उसको इग्नोर करिएगा, याद रखिएगा ठीक है। और एकदम बारीकी से देखेंगे आज इसी टॉपिक को, आज ही कोशिश करेंगे पूरा पूरा समझ लेने की ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात, इसका नाम क्या है? सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। याद करिए सिंक्रोनस मोटर से एक चीज आप पहले जान चुके हैं, एक होता है सिंक्रोनस गति। याद करें सिंक्रोनस गति यानी जिसको हम लोग क्या कहते थे? तुल्यकालिक गति कहते थे। इससे पहले थोड़ा सा हमको याद दिलाते थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ठीक है। आइए थोड़ा सा और शुरुआत करते हैं। ये देख रहे तुल्यकालिक में ये जो मोटर है इसमें ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो हम पढ़े थे उसमें क्या था कि आपके केवल एसी सप्लाई पर काम करता था, यानी थ्री फेज का एसी सप्लाई आप देते थे और थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका काम करता था। समझ आपको? लेकिन आज जो मोटर पढ़ने वाले हम लोग हैं उस मोटर में एसी भी रहेगा और डीसी भी रहेगा। हाँ जी सही सुन रहे आप, तुल्यकालिक मोटर में एसी सप्लाई रहेगा और डीसी सप्लाई रहेगा, दोनों सप्लाई रहेगा। दोनों का काम क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हम लोग आज का ये सेशन, बहुत ही मजेदार रहने वाला है। क्या तुल्यकालिक मोटर? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होगा सिंक्रोनस मोटर के बारे में, क्या इसका परिणाम होगा, क्या इसके काम होंगे, कैसे ये चालू होगा, इस पर हम बात करें। ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहले थोड़ा सा बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। इसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता था वो भाई कौन सा रोटर होता था? ज्यादातर मैक्सिमम जो हम जनरली यूज करते थे वो होता था क्या? स्क्वायर केज रोटर। क्या होता था? जिसको हम लोग कहते थे स्क्वायर केज रोटर यानी पिजरा पलाल्पी रोटर, स्क्वायर केज ठीक है। और एक चीज याद होगा आपको, हम बताए थे आपको कि इसमें कितने सप्लाई देते हैं? थ्री फेज सप्लाई देते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर नाम है, इसमें आर वाई डी तीन सप्लाई देते हैं और इसके स्टेटर में तीन फेज के लिए हम क्या करते थे? वाइंडिंग करते थे। क्या करते थे? वाइंडिंग करते थे, ध्यान दीजिएगा। और तीनों फेज के लिए वाइंडिंग करते थे तो तीनों में बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता था, यानी यहाँ एन यहाँ एस यहाँ एन, यानी कहते थे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी आरएमएफ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता था, वो चुंबकीय घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का जो स्पीड होता था, चुंबकीय क्षेत्र का जो स्पीड होता था उसको हम लोग एनएस बोलते थे। क्या याद है आपको? एनएस बोलते थे यानी सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति बोलते थे। हाँ सही सुन रहे हैं, समझ आया एकदम। एनएस बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला था क्या था भाई, जरा सा बोलिए एकदम, एक बार बोल लीजिएगा तो आपके लिए वो दोबारा रिपीट हो जाता है, तो आपको वो रिमेंबराइज कर देता है, एकदम सारा याद रखने का ऐतिहासिक फॉर्मूला सेट हो जाता है ठीक है। तो एनएस बराबर 120 इनटू फ्रीक्वेंसी बटे पी। हाँ ये आपका क्या था? तुल्यकालिक गति, यानी किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का जो गति होगा वो क्या कहलाता? तुल्यकालिक गति। वो इतने के बराबर होता था यानी एनएस बराबर 120 बटा पी। ये हम लोग अभी सिंक्रोनस मोटर नहीं पढ़ रहे भाई, अभी हम बता रहे आपको सिंक्रोनस गति किस मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से समझ में आपको आएगा क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं ठीक है। समझ पाए मेरी बात को? एकदम क्लियरली समझेगा, इतना तो आप समझ गए भाई, ये बात आपको याद आ गया। हाँ तो अब बात करें, अब चले अपने टॉपिक की तरफ, सिंक्रोनस मोटर की तरफ। यानी ये सिंक्रोनस गति था। और एक चीज हम आपको बता दें कि रोटर जो घूमता था उसको हम क्या बोलते थे? एनआर बोलते थे। क्या बोलते थे? एनआर मतलब रोटर स्पीड। क्या बोलते थे भाई? रोटर स्पीड। लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग सप्लाई देते थे और रोटर अपने आप घूमने लगता था, और जो रोटर घूमता था तो हम आपको ये बात बताए थे कि दोस्त एनएस जो होता है वो अधिक होता है और एनआर जो एनआर होता है रोटर स्पीड वो क्या होता है? तुल्यकालिक गति से कम होता था। तो हम लोग इसे क्या कहते थे? इंडक्शन मोटर कहते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो था इंडक्शन मोटर, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगा सिंक्रोनस मोटर, यानी वैसा मोटर यहाँ पर जो एनएस के बराबर, यानी जिसका घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जितना गति से दौड़ेगा उतनी ही गति से क्या करना है? इसके रोटर को दौड़ाना है। यानी एनएस जो है वो बराबर होना चाहिए एनआर का। इसका यानी इसके स्टेटर के जो फ्लक्स का गति है, अब यहाँ पर देखिए ये फिगर देख करके एनिमेशन देख के हम क्लियर समझेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं अभी ये है सिंक्रोनस मोटर का बनावट का कंस्ट्रक्शन का पार्ट। एक एक करके समझते हैं, ये सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है और इसके स्टेटर में हम लोग क्या देते हैं भाई? थ्री फेज सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई देते हैं आर वाई बी इसके स्टेटर में देते हैं। तो इसके स्टेटर में जो गति होता है कितना स्पीड से गति है, जो एन घुमा है एस घुमा है, बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? इसकी गति को क्या बोलते थे? एनएस बोलते थे। ये आप इंडक्शन मोटर में देख चुके थे। यहाँ पर अभी ये रोटर है और याद रखिएगा अगर ये रोटर अगर इसके अंदर स्क्वायर के रोटर अभी सामान्य रूप से रख दिया जाए तो ये जो मोटर स्टार्ट होगा वो इंडक्शन मोटर के भांति स्टार्ट होगा। किसके भांति स्टार्ट होगा भाई मेरे? इंडक्शन मोटर की तरह। इंडक्शन मोटर की क्या कहानी थी कि भाई इसका जो स्पीड है इसके स्पीड से कम स्पीड पर इसका रोटर चलेगा तो इंडक्शन मोटर चलेगा। लेकिन इस सिंक्रोनस मोटर की खासियत देखिए, कब ये सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा ये बात हम आपको बताने वाले। सबसे पहला लाइन क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टिंग क्या है सर? किस महीने में आप करें? आप तो कहें कि इसमें पहले स्टार्टिंग चलने लगेगा। हाँ चलेगा, लेकिन इंडक्शन मोटर की तरह चलेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह नहीं चलेगा। सिंक्रोनस मोटर की तरह नहीं चलने का मतलब ये हुआ कि जिस स्पीड से बंदा चुंबकीय क्षेत्र घुमा रहा है उसी स्पीड से रोटर घूमने लगे तब, यानी एनएस बराबर अगर एनआर हो जाए तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। हमने कहा ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्या मतलब इसका? सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब अगर इसको अभी चला देंगे तो एनएस बराबर एनआर नहीं होगा तो भाई तुल्यकालिक गति के समान रोटर नहीं घूमेगा तो उसको कैसे बोल सकते हैं तुल्यकालिक मोटर? तब वो इंडक्शन मोटर हो जाएगा। इसका मतलब है सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिना कोई जुगाड़ का अगर इसमें रोटर रख देते
रोटर स्टेटर फ्लक्स को काटता और जिस स्पीड से ये बार मूव कर रहा है उसी स्पीड से ये भी मूव करता यानी घूमता रोटेशन करता तब हम इसको कहते हैं सिर्फ स्टार्टर सिंक्रोनस मोटर एकदम सिर्फ स्टार्टर लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता अब क्या होता है अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड से अगर घुमाना पड़ेगा तो इसके जो अंदर में ये वाला पार्ट है रोटर पार्ट जो कह रहे हैं इसमें अलग से क्या देखिए तार है यहां पर निकला हुआ इसमें अलग से डीसी सप्लाई देते हैं क्या देते हैं अलग से डीसी सप्लाई देते हैं थोड़ा सा आपको पीछे दिखाएं ये देखिए ये देखिए ये आपका एक्चुअल में क्या है ये कंस्ट्रक्शन आपको समझाने की सबसे बेटर है इसके अंदर में ये क्या है रोटर पार्ट और ये क्या है स्टेटर पार्ट याद रखिएगा ये रोटर पार्ट और ये स्टेटर पार्ट है और रोटर पार्ट में देखिए अलग से क्या दिया गया है डीसी सप्लाई दिया गया क्यों डीसी सप्लाई दिया गया कि इसे क्या करना है सिंक्रोनस गति के अकॉर्डिंग चलाना है जब इस रोटर में स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं आरवाईबी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड क्या करेगी एनएस बनता है और इसी एसपी से इसको भी घुमाए एनआर को भी घुमाएंगे तो वो मोटर क्या चलाएगा सिंक्रोनस मोटर चलाएगा आइए थोड़ा आगे देखते हैं ये फिगर हम आपको फिर से बताएंगे टेंशन मत लीजिए आइए एनएस बराबर 126 एफ बटा पी यानी देखिए यहां पर आइए अब जब हम लोग डीसी सप्लाई से अंदर देते हैं तो कुछ जुगाड़ के कारण आप कैसे काम करेंगे हम आपको सबसे बताएंगे कंप्लीट देखिए ये वाला ऊपर वाला जो फर्स्ट है ऊपर वाला चला है एनओएस ये क्या है एनएस यानी तुल्यकालिक मोटर का घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इसकी स्पीड अलग है और ये रोटर देखिए रोटर का एनओएस क्या है रोटर का है कि नहीं भाई है ना तो देखिए इसका एन और इसका एस और इसका एन और इसका एस साथ साथ घूम रहा है ये तीन कर दें हम आपको दिखा दें ये देखिए स्पष्ट देखिए इसका एन यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र जो स्टेटर में बनता है उसका फ्लक्स का जो पुल है और रोटर जो करता है रोटर का जो पुल है वो एक साथ साथ चलता है और याद रखिए देखिए ये एन है और एस है इसका मतलब है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है ये मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर काम करता है किस सिद्धांत पर ये इंडक्शन मोटर वाला इसको हटा देते हैं भाई जो आपका सिंक्रोनस मोटर है यानी सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक मोटर जो है वो आपका तुल्यकालिक मोटर जो है वो जो आपका काम करता है वो मैग्नेटिक लॉकिंग इस पर मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर काम करता है ये मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है ये बात आपको फिर समझा दें देखिए अगर ये आपका स्टेटर वाला पार्ट हो और ये वाला रोटर वाला पार्ट हो उधर भी बोलो ये एन हो और यहाँ पर सप्लाई देने से एन बने और रोटर में मान लीजिए विपरीत एस बने मान यहाँ पर भी कोई ऐसा एन बने और यहाँ ये एस है इसका मतलब ये इसको खींचेगा और क्या करेगा चुंबक की तरह क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा आकर्षण कर लेगा अगर यहाँ से प्लस यहाँ एन बन जाए ये क्या करेगा यहाँ मैग्नेटाइज खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके साथ साथ फिर ये चिपक जाएगा मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा इसका मतलब ये प्रक्रिया बार बार होता है ये रोटर क्या करेगा इस स्टेटर के फ्लक्स के अकॉर्डिंग क्या आकर्षित होकर जिस गति से स्टेटर वाला फील्ड घूमेगा उसी गति से क्या घूमेगा रोटर वाला फील्ड घूमेगा ऐसी स्थिति में रोटर का स्पीड और स्टेटर का स्पीड क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा यानी रोटर स्पीड और स्टेटर का स्पीड स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र का स्पीड यानी एनएस बराबर एनआर हो जाएगा जिस समय चुंबकीय क्षेत्र की गति यानी एनएस बराबर एनआर हो जाएगा बार बार यही कहते हैं वो क्या हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर हो जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि उसका रोटर तुल्यकालिक गति के स्पीड पर घूमता है ये देखिए हो रहा है ये मैग्नेटिक लॉकिंग का प्रक्रिया है अभी हम आपको एक एक करके समझाएंगे याद रखिए यानी मैग्नेटिक लॉकिंग किसका काम करता है सिंक्रोनस मोटर नहीं कौन से दो सप्लाई याद रखिएगा तो कहेगा कि दो ऐसा कौन सा मोटर है जो दोनों सप्लाई पर चलता है दोनों सप्लाई का प्रयोग एक ही साथ किया जाता है यानी तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर में वो क्या किया जाता है ये एक्साइटेशन के लिए दिया जाता है और हम आपको बता रहे हैं क्यों डीसी सप्लाई दिया जाता है ये बात हम आपको बता ध्यान दीजिए आप कहें सर एसी तो दे रहे डीसी क्यों दे रहे हैं याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ये आप क्या करें मैग्नेटिक लॉकिंग आप एक नोट कर लीजिए कि सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटिक लॉकिंग के सिद्धांत पर काम करता है सबसे पहले आप सारी चीज लिखेंगे आपको कि सिंक्रोनस मोटर का सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होता है एक बार इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं भाई क्योंकि यहां से इस पार्ट पर लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे थोड़ा क्लीन कर देते हैं तब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी है समझना भी जरूरी है लिखना भी बहुत जरूरी है देखिए कह रहा है कि यह एक मशीन है जो सिंक्रोनस गति पर यानी कांस्टेंट गति पर घूमते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा याद रखिए यह एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है कांस्टेंट स्पीड मोटर क्यों बोलेंगे क्योंकि इसका जो तुल्यकालिक गति होगा एनएस होगा आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसका गति क्या होगा एक निश्चित होगा समझे बात को तो उसी निश्चित गति से अगर रोटर भी घूमता है तो इसका स्पीड उसके सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा तो ये तो हमेशा समान होगा कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका बदलता नहीं है उसकी गति आपकी बदलती नहीं है तो सेम टू सेम अगर इस मोटर को कहा जाए तो बाद में हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलेंगे ये मोटर भी कांस्टेंट स्पीड मोटर के भांति कार्य करता है यानी स्थिर स्पीड में चलता है समझे बात को एक एक करके समझिएगा यानी एक बार और आगे क्या लिखा कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पार्ट में एसी यानी इसके स्टेटर पार्ट जो है यानी ये वाला जो स्टेटर है इसके स्टेटर पार्ट में कौन सा सप्लाई देते हैं भाई स्टेटर पार्ट में एसी देते हैं एसी इसलिए देते हैं इसके थ्री फेज होंगे इस थ्री फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए वाला जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाया ना वो निर्माण करने के लिए कितने फेज का सप्लाई वाइंडिंग करेंगे थ्री फेज के लिए और इसके जो रोटर पार्ट है इसके रोटर पार्ट की तार देख रहे हैं आप यहां पर दिखाई देता हूं आपको ये तार जो है ये डीसी सप्लाई देने के लिए हम लोग तैयार करते हैं और इसमें डीसी सप्लाई यानी इसके रोटर पार्ट में कौन सा सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई एक एक करके समझिएगा भाई एक एक करके समझिएगा एक पार्ट का छूट गया समझिए क्वेश्चन आपका छूट गया समझे क्या कर रहा है ये आपका एसी ये आपका डीसी डीसी का रोटर पार्ट और अगर आप डीसी क्यों एसी देते रोटर पार्ट में याद रखिए बताइए जस्ट थोड़ी देर आपको समझाने वाले क्यों डीसी देते हैं सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है वो सेलिएंट पुल टाइप होता है कैसा होता है सेलिएंट पुल टाइप देखिए ध्यान दीजिए हम आपको बता देते हैं अभी फिगर हम आपको दिखाएंगे पीछे ले जाएंगे दिक्कत हो जाएगा ये आपका रोटर है ये रोटर जो जिसका पोल क्या उभरा हुआ ऐसा ऐसा है उभरा हुआ का मतलब कहते हैं सेलिएंट पुल सिंगल पुल टाइप होता है क्या और याद रखिए ये आपका क्या है स्टेटर है क्या है आपका स्टेटर है ध्यान दीजिएगा स्टेटर पार्ट है और हम लोग क्या करते हैं इसके ये रोटर में ये डीसी सप्लाई देते हैं क्या देते हैं डीसी सप्लाई और इसमें अपना क्या देते हैं आरवाईबी यानी एसी सप्लाई देते हैं और याद रखिएगा ये सर कह रहे हैं आप दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सर ये डीसी थी हम आपको बता देते हैं अगर इसमें डीसी देते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यानी एनओएस जो यहां है वो क्या होता है एक बार एन बनता एक बार एस बनता एक बार एन बनता एक बार एस बनता एक बार बदलता हुआ बनता क्योंकि यहां पर बदलता हुआ एनओएस तो बन ही रहा ठीक है यहाँ क्या कर देते हैं यहाँ परमानेंट पोल बनाने के लिए यानी जो भी पोल बनाए वो एन बनाएगा तो हमेशा एन बना के यहाँ पर और एस बनेगा तो हमेशा एस बने परमानेंट पोल का निर्माण करने के लिए हम इसके रोटर में क्या देते हैं डीसी सप्लाई देते हैं
याद रखिएगा। और अगर डीसी सप्लाई यहां दिए वो तो अच्छी बात है, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बने, मान लीजिए एस का निर्माण होगा और यहां एन का निर्माण होगा, तो क्या होगा, जैसे ये एस एस चलेगा जो इसकी पूर्ण चलेगा एस घूमता हुआ जाएगा, ये एस है ना, तो एस इस तरह का घूमता हुआ जाएगा चलेगा ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये भी एन क्या हो, अगर इसमें क्या करता है कि इसी स्पीड पर चलाने के लिए, ध्यान दीजिएगा अभी स्टार्टिंग मेथड में आपको बताइए कि इसी एन और एस को घुमाने के लिए, ये तो स्टेटर में ये तो घूमेगा, इसी स्पीड पर रोटर को घुमाने के लिए, रोटर को इस स्पीड नहीं घूमेगा, ये तो जब स्टार्ट करेंगे तो इंडक्शन मोटर का पीछे होकर चलेगा, स्लिप होकर चलेगा। तो क्या किया जाता है, इसके रोटर को पहले से क्या किया जाता है, इसके स्पीड पर चलने से पहले इसको क्या किया जाता है, जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल देते हैं आपको समझा देते हैं। जैसे दो चीजें होती है, अगर आप बस आपके बस रस्ते से गुजर रही है, आप क्या करते हैं, गाड़ी थोड़ा शुरू हो रहा है, रुका नहीं है, आप क्या करते हैं, बस में चढ़ना चाहते हैं, बस रुकेगा नहीं क्योंकि स्टॉपेज आगे है, तो बस की गति उसमें चलने के लिए, बस जब चलेगा तो बस के साथ साथ आप भी चलेंगे, तो बस की गति के बराबर आपका भी गति रहेगा, तो आपका स्पीड और बस का स्पीड सेम होगा। लेकिन उस बस में चढ़ेंगे तब ना, तो बस में चढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ेगा, क्या अगर बस जा रहा है तो आप क्या करते हैं, गेट को पकड़ते हैं और क्या करते हैं, पहले से उस बस में चढ़ने के लिए आपको थोड़ा पहले दौड़ना पड़ता है, थोड़ा पहले क्यों दौड़ना पड़ता है, थोड़ा पहले दौड़ते हैं तो जो आपका स्पीड बस का स्पीड हो वो क्या करेगा, मैच कर जाएगा, आपकी स्पीड पकड़ेगा और चढ़ जाएगा बस में, और आपकी स्पीड बस की स्पीड के बराबर वापस में चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ट्रेन खुलने लगती है, मान लीजिए दो बातें होती है, अगर स्टेशन पर आपको क्या होता है, आपको लेट हो जाता है, ट्रेन ऑन द राइट टाइम एकदम फिट हो गया, आपको चलने वाली है, आप आ गए, गाड़ी खुल चुकी है, धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही है, और आप क्या कर रहे हैं, आप स्टेशन पीछे हो गए। मान लीजिए कि आपको अगर पीछे वाले आपको चढ़ना है, बॉगी में चढ़ना है, डब्बा में चढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, याद रखिएगा कि आप पीछे वाले बॉगी में चढ़ेंगे, उससे पहले आपको दौड़ना पड़ेगा, क्यों, अगर नहीं दौड़ेगा तो जैसे आप पकड़िएगा, हाथ पकड़िएगा, हाथ पड़ जाएगा, बस पता चलेगा ट्रेन में चढ़ के हाथ चलेगा आगे, आप चले पीछे, या उसके धक्का से नीचे गिर सकते हैं, तो आपको दुर्घटना हो सकती है। तो क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा पहले दौड़ना पड़ता है, ताकि ट्रेन की स्पीड आपकी स्पीड मैच हो जाए और ट्रेन में घुस पाए, और जिस गति से ट्रेन चलेगा उसी गति से आप चले। तो दोस्तों यही बात यहाँ पर होता है कि इस स्पीड में, यानी कि जो है बाहर वाला, इस समझिए ट्रेन वाला स्पीड है, इसको चढ़ना है पकड़ के इसके साथ, तो क्या करना, पहले इसको दौड़ना पड़ेगा, यानी दौड़ेगा तो दौड़ाने के लिए जुगाड़ लगा के आगे, ये सबसे पहले इसको रोटर को पहले घुमाया जाता है, जब इसके रोटर को पहले घुमाया जाता है तो थोड़ा स्पीड पकड़ा जाता है, इसमें सप्लाई दिया जाता है, और तब तक डीसी सप्लाई दिया जाता है, एन बना हुआ रहता है, जिस स्पीड से ये घूमेगा उस स्पीड में, जैसे ये सप्लाई दिए ये भी घूम रहा था, इसका ऐसा ऐसा एन को कैप्चर किया, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया, और जिस स्पीड से रोटर, जिस स्पीड से स्टेटर की गति वो तुल्यकालिक गति घूम रहा था, उसी स्पीड से क्या जाएगा, रोटर भी घूमने लगेगा। ये इसको करना पड़ता है, ठीक है, आपको समझ आपको, इसीलिए कह रहे हैं कि अलग से जो ये काम करना पड़ा ना, तुल्यकालिक गति में स्टार्ट करने के लिए, इस तब ये सिंक्रोनस मोटर का काम करेगा, पहले नहीं कर रहा था, इसीलिए इंडक्शन मोटर का काम कर रहा था, इसीलिए हम कहेंगे तुल्यकालिक पर काम नहीं करता, तुल्यकालिक पर काम करने के स्थिति में ये क्या सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग समझ ना, ये जो इंडक्शन मोटर की तरह चलेगा तुल्यकालिक मोटर क्या करेगा, नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, अब आपको लगता है लगभग लगभग चीज़ आप समझ रहे हैं, अब इस स्पीड में या सिंक्रोनस गति को स्पीड में इसी तरीके से चलाने के लिए विभिन्न तरीके होती है, मतलब कितने तरीके से सिंक्रोनस स्पीड में चला सकते हैं, स्टार्ट करने के क्या क्या विधि है, हमने क्या कहा, इसको घुमा देंगे स्पीड से, तो घुमाएंगे किसी हाथ से, मुझे फूक नहीं देंगे इस रोटर को, चल लेगा तो चलाने के लिए अलग से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, एक बात को समझेगा, हमें लगता है कि लगभग चीज़ आपको समझा पाया हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, रोटर का स्पीड और स्टेटर का स्पीड बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर हो जाएगा, तुल्यकालिक गति पर चलने का मतलब रोटर और स्टेटर दोनों का स्पीड बराबर, एनएस बराबर रहेगा, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, प्लस आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, अरे हटो भाई, ये देखिए सिंक्रोनस मोटर सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सीधी सीधी हमने कहा कि सिंक्रोनस मोटर सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होने का मतलब है कि सिंक्रोनस गति पर अपने आप नहीं चलेगा, अपने आप नहीं चलेगा, तुल्यकालिक गति पर अपने आप इसका रोटर नहीं घूमेगा, इसके रोटर घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यानी उसे स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाना पड़ता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा उसे एक्स्ट्रा घुमाना पड़ता है, चलिए थोड़ा सा आगे बात करें और शुरुआत करते हैं आगे कि कैसे घुमाना पड़ता है, क्या है इसके स्टार्टिंग की विधि, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, खींच देते हैं, इसको क्लियर करते हैं, आप लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, देखिए नोट्स में एकदम क्लियर लिस्ट पर नोट करिएगा, और जो आपको सिंक्रोनस मोटर का फिगर बनाना है शुरू में फर्स्ट में जो फिगर आपको दिखाई दे वो वाला फिगर आप एकदम नोट करिएगा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अब ये जो वहाँ से स्टार्ट करने का विधि है कि सिंक्रोनस मोटर का सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो आप कैसे इसको सिर्फ स्टार्टिंग करेंगे, किस विधि से इसको सिर्फ स्टार्टिंग करेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, हम आपको ध्यान दिलाते हैं, याद रखिएगा इसको स्टार्ट करने के लिए तीन विधि होता है इंपॉर्टेंटली, लेकिन याद रखिए कि सबसे पहले दो विधि इसमें प्रयोग करिए, सबसे पहले देखिए क्या करना है कि स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना, सबसे पहले पोनी मोटर द्वारा स्टार्ट करना, स्टार्ट बाय पोनी मोटर, स्टार्ट बाय पोनी मोटर, पोनी मोटर क्या होता है, पोनी मतलब पुनू सा मोटर, छोटा सा पोनी समझना, एक छोटा सा मोटर लगा के बड़ा मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसे स्टार्ट करेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे, जस्ट ये दूसरा का स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन बाय एज एन इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका मतलब बाहर से मोटर नहीं लगाएंगे, अंदर में ही कोई जुगाड़ लगाएंगे, जिस तरह से इंडक्शन मोटर में सप्लाई देते हैं और आपका मोटर रन करने लगता है, उसी तरह से कुछ ऐसा जुगाड़ इसके अंदर में, यानी इसके रोटर पार्ट में करेंगे और ये मोटर क्या करेगा, अपने आप तुल्यकालिक गति पर स्टार्ट करेगा, तो हम आपको बताएंगे, जैसे मतलब चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करेंगे, सिंपली दो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए तीसरा लोग बात करेंगे, चलिए इसको पहले आगे चलते हैं, देखिए आगे करेंगे पोनी मोटर द्वारा स्टार्ट करना कैसे होगा, देखिए पोनी मोटर द्वारा स्टार्ट करने के लिए हम आपको सीधा क्या बोले कि कोई भी जो आपका सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक मोटर होगा वो पहले इंडक्शन मोटर की तरह, अगर नॉर्मली चलाएंगे तो वो थ्री फेज प्रेरण मोटर की तरह चलेगा, यानी इंडक्शन मोटर की तरह चलेगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या कहा, इसके ऊपर छोटा सा मोटर लगा देंगे, छोटा सा मोटर लगाएंगे, छोटा सा मोटर नहीं, इसको बड़ा वाला जो मोटर है ना उसके साथ क्या करेंगे, मैकेनिकली करेंगे, यहाँ रूप से फीता लगाकर या जो भी लगाना होगा आपको टाइट करके घुमाएंगे, फीता लगाता है वाटर पंप लगा देते हैं, ये पतला पतला आपको फीता लगा जाता है, तो ये फीता लगा करके इसको पहले ही घुमाया जाता है, एक बार आएगी जैसे सप्लाई देगा, मतलब जिस स्पीड से चलेगा तुम पहले से दौड़ते रहो, जिस स्पीड से इसका स्टेटर वाला फ्लक्स यहाँ पर आया, ये फीता याद दिया था, फीता जैसे पुल पर एकदम से ग्रुप छोटा हुआ था उसमें जबरदस्ती टाइट करके क्या करते फिट कर देते हैं, यानी पोनी मोटर, ये देखिए ये बड़ा मोटर उसमें छोटा सा बचवा है, बचवा क्या करता है, चचवा को स्टार्ट करता है, अब बताइए क्या हालत है इसका, लेकिन क्या करना, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जैसे क्या देखिए कोई लोग आप जैसे मान लीजिए पूरा बंदर है, आप सुन में क्या करता है, आप देखिए चचवा करिए ऐसे करिए, आपका वजन ढेर अभी आप ये नहीं है, तो आप एक बार खींचते हैं, दो बार खींचते हैं, तीसरा बार आपको एकदम क्या होता है, दम फूल लगता है, तो यानी थोड़ा सा आपको मदद कर दे कि थोड़ा सा कमर पकड़ के इसको उठा दे, आप क्या करेगा, थोड़ा हेल्प करें, तो कई बार आप क्या कर सकते हैं, इस तरह को बीम खींच सकते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डर बना सकते, मतलब कि थोड़ा सा आपको कर देता, तो आप क्या करें वही काम कर रहा है, थोड़ा सा पहले क्या कर दिया, इसके रोटर पहले इतना थोड़ा सा घुमा दिया, क्या जो स्पीड वाला चलेगा उसके स्पीड से घुमा देगा, क्या चले लेगा, तभी हटा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसका सप्लाई काट देता है, जब सप्लाई देना घुमाने के लिए, जैसे सिंक्रोनस गति पर चलने लगा, इसके सप्लाई काट देगा, एक साथ दो में सप्लाई देगा, तो कहने का मतलब पोनी मोटर लगा करके क्या करता है, इसका रोटर पार्ट है, ठीक है,
इसका रोटर पार्ट इसका हीटर पार्ट, तो इसकी स्पीड एनएस होती है और इसी एनएस से इसके रोटर को भी क्या करता है, ये पहले घुमाता है ठीक है, तो ये दोनों का समान हो जाता है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है, हमने कहा था या एन और या एस बनेगा, ये दोनों आपस में लॉकिंग हो जाएगा और जिस स्पीड से रोटर घूमेगा और स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा उसी स्पीड से ये घूमेगा। ये तो बता नहीं रहा इसमें कौन सा सप्लाई दिया, डीसी एन है तो एन हमेशा बना हुआ है, इसकी घूमते हुए क्षेत्र के अनुसार ही घूम रहा है। ये कौन सा विधि है, पोनी मोटर का, एकदम आपको नॉर्मली पूछा जाएगा कि सिंक्रोनस मोटर को निम्नलिखित में से स्टार्ट किया जाता है, ऑप्शन होगा आपका पोनी मोटर, उसमें पोनी मोटर मारेगा, पोनी मतलब छोटा मोटर ठीक है, पोनी मोटर का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आप ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ये डायग्राम आपको दिखाने के लिए बताएं, ये सिंक्रोनस मोटर है, इसके ऊपर छोटा सा मोटर लगा करके इस सिंक्रोनस मोटर के रोटर को सिंक्रोनस गति से पहले घुमाया जाता है और बाद में इसमें सप्लाई दिया जाता है ठीक है, और इस तरह क्या किया जाता है सिंक्रोनस गति से घुमाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ इसके बारे में आपको लिखना भी बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है कि इस विधि में पोनी मीटर वाला जो पोनी मोटर लगा के छोटा मोटर लगा के बात करें, कह रहा है कि इस विधि में सिंक्रोनस मोटर के पोल पेयर से एक कम पोल पेयर, कहने का मतलब ये पोल पेयर ध्यान दीजिए इस बात को याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि देखिए जैसे आप सिंक्रोनस मोटर का मान लीजिए चार पोल है यानी मान लीजिए आठ पोल है ठीक है, आठ पोल का सिंक्रोनस मोटर है और ये कह रहा है कि ये जो आपका पोनी मोटर लगाएंगे ना तो पोल पेयर का मतलब आठ पोल का मतलब कितना, चार पेयर, चार जोड़ा पोल होगा, होगा ना जी चार जोड़ा पोल होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें आठ पोल चार पेयर है तो पोनी मोटर लगाएंगे तो चार पोल का नहीं तीन पेयर लगाएंगे, तीन पेयर का मतलब छह पोल का होना चाहिए। ये बात बता रहा है, क्यों बता रहा है भाई, क्योंकि अगर इसके पोल देखिए आपको अपने मन से समझना चाहिए, अगर आप पीछे पढ़ चुके इतने सारी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, आप ऐसा क्यों सर, क्योंकि क्यों आपको करना बहुत जरूरी है लेकिन कॉन्सेप्ट जो पीछा दिया उसको समझना जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा कि कम पोल पेयर का होगा इसका गति अधिक, हमने कहा था कि अगर पोल की संख्या कम कर दें तो स्पीड क्या बढ़ जाता है, ये आपको पता है इसका ये रीजन है। चलिए मतलब सिंक्रोनस मोटर के पोल पेयर से एक कम पोल पेयर का इंडक्शन मोटर इस पर लगाते हैं पोनी मोटर के रूप में, जो यांत्रिक रूप में क्या करता है इसको जोड़ देते हैं, यांत्रिक रूप में जोड़ने का मतलब इसके रोटर की पुली से इसके रोटर की पुली को फीता द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, यांत्रिक रूप से कनेक्ट कर देते हैं। पहले पोनी मोटर पे स्टार्ट किया जाता है, हमने क्या पहले पोनी मोटर पे स्टार्ट किया जाएगा और इसे सिंक्रोनस गति पर घुमाया जाएगा तब इसमें सप्लाई दिया जाएगा, मतलब फिर डीसी सप्लाई देकर क्या सिंक्रोनाइज किया जाता है, याद दीजिएगा हमने क्या पहले से घुमाया जाता है और इसके अंदर वाला रोटर वाला पार्ट डीसी सप्लाई दिया जाता है और डीसी सप्लाई देने का मतलब उसके अंदर में क्या बनेगा एन ओ एस एकदम परमानेंट बन जाएगा, ये बात एन ओ एस परमानेंट बन जाएगा ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा क्योंकि आप क्या करें डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तभी एन बन जाएगा जैसे इसका एस आएगा तो एस एकदम घर का पकड़ छोड़ देगा पूरा इसी के साथ जाएगा, जैसे पुलिस बुलाया उसका पीछा कर लिया आप पीछा करेगा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो देखिए अगर सिंक्रोनाइज हो जाएगा समझ में पीछा करिएगा तो कभी कभी जुगाड़ करके आ जाएगा और सिंक्रोनस गति से अपना काम करना चलेगा, समझ में बात को, तो कहेगा मतलब इसकी गति एन आर जो है वो किसके स्पीड चलेगा एन एस के बराबर और चलेगा सिंक्रोनस गति के स्पीड से, समझ में बात को, यह पूरी मोटर ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइजिंग के बाद पूरी मोटर को सप्लाई हटा दिया जाता है, पूरी मोटर जैसे आप ऐसे पकड़ लिया ये जैसे मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया तो मैग्नेटिक लॉकिंग करने के लिए जुगाड़ कर रहे थे तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया भाई इसका काम खत्म, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता ये ना, तो यही हाल हो गया चला दिया। अब ये वही होता कि एक घर में शादी होता है कि वो जब पति पत्नी घर क्या कहते ना एक लोकल में है कि वर कन्या घर चले जाता है तो उसमें अगवा होता है, अगवा का कोई काम नहीं, काम खत्म हो जाता है, अगवा का काम करते मीडिएटर होता है ना, जब एक लड़का लड़की शादी हो जाता है उससे पहले एक आदमी होता है मीडिएटर ठीक है ब्रोकर वाला, वो खूब जुगाड़ ताल मिला किसी तरह से दोनों को सिंक्रोनाइज कर दे, जैसे सिंक्रोनाइज दोनों हो गया तो वो वाला ब्रोकर वाला उसका काम खत्म, जाइए आपका घूमिए वही हाल है इसका इसका ये पोनी मोटर का, समझ बात को, तो पोनी मोटर द्वारा क्या करते हैं बहुत अच्छे से आपको बता दी, अब आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्लियर कर दे, ठीक है कंप्लीट समझ आइए प्लस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा बात इसमें क्या करें कि इंडक्शन मोटर की तरह इसको स्टार्ट करना है, तो इंडक्शन मोटर की तरह जैसे स्टार्ट करना आपको समझा देते हैं, देखिए हम इसमें इस लाइन से पहले आपको ये समझा देते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिएगा कि हम इसमें इंडक्शन मोटर स्टार्ट करेंगे मतलब ये आपका क्या स्टार्ट हो गया भाई, ये आपका स्टार्ट हो गया, हम लोग इसमें क्या देते हैं सप्लाई देते हैं थ्री फेज के लिए सप्लाई देते हैं हम लोग ठीक है, इसमें क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक यानी एनएस बनता है और इसके अंदर अपना क्या है ये रोटर है, इसमें हम क्या देते हैं डीसी सप्लाई देते हैं ठीक है, लेकिन क्या होता है डीसी सप्लाई देता है तो ये फ्लक्स इसको जैसे काटेगा इसके मैग्नेटिक लॉकिंग होने के लिए, ये जब इस स्पीड से चलता है अगर इसको एक्स्ट्रा भी घुमाने का जुगाड़ नहीं रहता है तो ये अगर यहाँ चलेगा तो थोड़ा पीछे हो जाएगा, देखिए जैसे रोटर वाला एन है और ये स्टेटर वाला एस है, थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा सा ये पीछे पड़ जाता है ऐसे थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है, थोड़ा एंगल बन जाता है, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा यानी कि रिटार्डेशन एंगल बोलते हैं, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जब ये आगे हम समझेंगे कि एस और एन के बीच थोड़ा गैप हो जाता है, जितना गैप पकड़ा है जो पकड़ा है उसी पकड़ के दौड़ रहा है वही पकड़ के सामने नहीं आया, जो स्पीड से स्विंग करता है ना तो थोड़ा सा पीछे जाता है ठीक है, तो इसको पकड़ने के लिए इसके लिए इसका वाला ऑस्ट्रेलियन पुल है इसका घुमा हुआ भाग है, इस पर हम क्या करते हैं डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं डैम्पर वाइंडिंग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंडक्शन मोटर में या डैम्पर वाइंडिंग के विधि से, तो इसके रोटर में ये जो पार्ट है इसके सेलिएंट पोल यानी समुन्नत बोलते हैं इसे बात पे तो आपको आगे बताएं, इसके एक्चुअल में ऐसा होता है ये ऐसा बोल देना ये तो कहने का मतलब ये ऐसा बोलता है, अब हिंदी में जाइएगा ना इसको बोलेगा क्या कहते हैं कपोत पूछ, सेलिएंट पोल क्या होता है हिंदी में पूछ दिया था एक बार ये मासी ने कि कपोत पूछ, अब भाई इसको आप देखिए आप समझिए कपोत पूछ, कपोत मतलब समझते हैं कपोत क्या है संस्कृत भाषा है ठीक है, कपोत मतलब कबूतर ठीक है, कबूतर कबूतर का पूछ जो होता है कबूतर है अपना जैसे कबूतर है समझिए इसका इसे पीछे में जैसा पंख का इस तरह का निर्माण करता है ये ठीक है, यहाँ पर करता है ये तो इसका मान लीजिए मुंडी हो गया, यहाँ सारे पूछ आते हैं इस तरह का निर्माण होता है पीछे देखते हैं इसे फैलाता है होता है कि नहीं होता है, ये वाला ना इसको मान लीजिए हम लोग यहाँ सेलिएंट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं सेलिएंट बोल देते हैं यानी हिंदी में समुन्नत बोल देते हैं, लेकिन ये पूरा निम्नी वाला बात है ना इसको कपोत पूछ के नाम से कहते हैं कपोत पूछ पोल वाला, आगे आपको बताएंगे अल्टरनेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे चर्चा होता है कि कौन सा पूछ वाला कैसा काम करता है ठीक है, लेकिन वर्ड हम लोग तो इसका यूज नहीं करते हैं एग्जाम में आ जाता है तो मुंह देखते ताली नहीं लगते हैं पढ़ाई तो बहुत सर लेकिन भाषा लेंगे सीखा नहीं बना, तो हम सब चीज को चर्चा करते हैं सेलिएंट पोल को समुन्नत पोल कहते हैं, कपोत पूछ भी आप करते हैं आप लिख लीजिएगा ठीक है, ये आपको नया वर्ड आपको मिला हुआ ठीक है, याद रखिए हम क्या करने जाते हैं वही बोलते हैं कि इंडक्शन मोटर में इसके रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग करके क्या करते हैं सिंक्रोनस स्पीड के बराबर इसके रोटर की स्पीड को क्या करते हैं चलाते हैं, मान लीजिए एनआरएस में एक्स्ट्रा जो पीछा होगा एक्स्ट्रा यहाँ पर वाइंडिंग यहाँ पर करते हैं कॉपर रोड को क्या करते हैं डाल देते हैं इसमें और कॉपर रोड स्क्वायर की तरह कॉपर रोड को डाल करके इसे शॉर्ट कर देते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बढ़िए सीधे से दोनों साथ साथ घूमेगा इसे, समझ बात को आपके पिछले में आप देख सकते हैं दोनों साथ साथ घूमेगा, तो इंडक्शन मोटर की तरह सप्लाई देती है इसे एक्स्ट्रा वाइंडिंग करना पड़ना यानी कि डैम्पर वाइंडिंग लगा करके, समझ बात को चलिए लिखा गया ये बात आपको दिखाते हैं क्या करते हैं, याद रखिएगा
अगर ऐसी स्थिति आपको इंडक्शन मोटर की तरफ बात करे, अगर कोई अंदर से घुमाने का जुगाड़ नहीं देगा तो आपको नॉर्मली सप्लाई दीजिएगा, इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा, सिंक्रोनस गति से घूमेगा नहीं वो। तो कहा कि इस स्थिति में क्या करते हैं, इस विधि में रोटर के सेलिएंट पोल के सिरे ऊपर, देखिए क्या कहा, सेलिएंट पोल के सिरे ऊपर बताएगा, सेलिएंट पोल के सिरे ऊपर क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, कौन सा डैम्पर, एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं सेलिएंट पोल के सिरे ऊपर, तब यह स्पाइरल इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है। करा कि अधिक एफिशिएंसी कांस्टेंट स्पीड, अब देखिए जब इस सिंक्रोनस गति पर चलने लगता है तो इसकी एफिशिएंसी अधिक होगी, तब तो चलता है भाई, जिस स्पीड से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण स्टेटर में होता है उसी स्पीड से आपका एनआर भी चलता है, दोनों साथ साथ चलता है, तो इसकी एफिशिएंसी अधिक तक अधिक होगी। दूसरा बात कंट्रोलिंग स्पीड, भाई जिस स्पीड पर एनआर चलता है उसी पर एनआर चलता है, तो कंट्रोलिंग जो सप्लाई की बड़ी है इसका पावर फैक्टर अच्छा होता है, क्या होता है पावर फैक्टर अच्छा होता है, ठीक है, कि कारण बड़े साइज के इंडक्शन मोटर के साथ जुड़ा जाता है, कहने का मतलब याद रखिएगा कि इसका जो पावर फैक्टर अच्छा होता है क्योंकि इसमें सिंक्रोनस गति और रोटर का स्पीड दोनों सेम होता है, इसके बीच में कोई भी इंडक्शन का काम नहीं करता है, चेक याद रखिएगा कोई भी इंडक्शन मोटर हो तो याद रखिएगा लगभग वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर भाई एकदम बात समझ लेना, कोई भी इंडक्शन मोटर हो वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, इस पर लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। सर क्यों लैगिंग फैक्टर पर काम करता है, क्योंकि किसी भी इंडक्शन मोटर में क्या होता है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ जो होता है वह कॉइल ज्यादा होता है, कॉइल मतलब इंडक्टर ज्यादा होता है, जब कॉइल ज्यादा होगा इंडक्टर ज्यादा होगा यानी प्रेरकत्व ज्यादा होगा, तो इंडक्टिव सर्किट की बात करते थे हम लोग, याद है आपको इंडक्टिव सर्किट की बात करते थे, उसमें क्या होता था भाई वोल्टेज से करंट क्या होता था लैग करता था, पीछे रहता था, जब पावर फैक्टर होता था तो लैगिंग पावर फैक्टर होता था, लेकिन इस स्थिति में ये क्या हुआ, इसमें कोई कटने का या बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई रोटर और स्टेटर के फ्लक्स अगर तुल्यकालिक गति पर चलने लगे तो रोटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स रोटर फ्लक्स को नहीं काटेगा, इसका मतलब देखिए हमने कहा कि ये जब तुल्यकालिक गति पर चलने लगेगा यहाँ एन बनेगा और रोटर मान लीजिए एस बनेगा, ये दोनों साथ साथ चलेगा, मान लीजिए ये साथ साथ नहीं चलता तब ये स्टेटर का फ्लक्स रोटर को काटता, पता पड़ेगा, देखिए अभी मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये मेरा हाथ कंडक्टर है, ऐसे मान लीजिए ये भी है इस पर जा रहा है, जैसे ये स्पीड जा रहा है ये स्पीड जा रहा है, काटेगा नहीं, काटेगा मतलब क्या है, देखिए दोनों ये बात यहाँ से तक समझ चलेगा, अगर मान लीजिए ये क्या है रोटर है ये स्टेटर है, तो स्टेटर जिस तरह से घूमा ये भी घूमा है, अगर ये पीछे पड़ जाता ये स्पीड घूमता तब इसको काट देता, जब काट देता तो इसमें फ्लक्स पैदा होता अलग जुगाड़ होता, लेकिन ये दोनों साथ साथ हो रहा है, लेकिन दोनों बीच में एयर गैप है, हमने कहा था कि दो कंडक्टर के बीच में एयर गैप हो, ये दो कंडक्टर हो एयर गैप हो और दोनों तरफ सप्लाई हो, तो किस तरह से काम करेगा, एक कैपेसिटर के इसके बाद बीच में क्या एयर होगा, तो पैरावैद्युत पदार्थ के रूप में एयर को एयर तो पैरावैद्युत पदार्थ यानी ऑक्सीजन की बात करें, तो कहने का मतलब किस तरह का निर्माण करेगा, कैपेसिटर का बिहेवियर करेगा, करेगा ये कैपेसिटर में क्या होता है कैपेसिटिव बिहेवियर करने लगे, इंडक्टिव बिहेवियर को छोड़ करके ये जब कैपेसिटिव बिहेवियर करने लगे तो याद रखिए कैपेसिटर में पावर फैक्टर क्या होता है लीडिंग होता है, पीएफ यानी पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ये लिख लेना भाई, ठीक है, तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो ये क्या करेगा, किसी भी इंडक्शन मोटर के समांतर जो भी इंडस्ट्री में लगाएंगे ना इसको कैपेसिटर मोटर की तरह बिहेव करते, पूछेगा कि निम्नलिखित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो भूल गया तो छूट गया, समझ लो भाई हम बात करते हैं जो बताया इंपॉर्टेंट है एकदम वही बात याद रखना चाहिए, ठीक है, यानी कैपेसिटर जो कितना जो बिहेव करेगा, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को कैपेसिटर मोटर के नाम से जाना जाता है, संधारित्र मोटर की तरह यूज किया जाता है, कि जब बड़े बड़े इंडक्शन मोटर लगाते हैं इंडस्ट्रीज में तो कंपनी का जो विद्युत कंजम्पशन विद्युत जो देता है तो इलेक्ट्रिसिटी रूल का ये कहता है कि आपका पावर फैक्टर 0.85 से कम नहीं होना चाहिए, कितना 0.85, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बड़ी किसी इंडस्ट्रीज का पावर फैक्टर 0.85 होना चाहिए, नोट करके आप लिख लीजिएगा, अगर इससे कम होगा तो आपकी कंपनी को क्या करेंगे ये रेस्ट्रिक्ट करवा देंगे, आपको बिल नहीं देंगे, क्योंकि आप डिस्टर्ब करके बाकी लोगों को पता है कि क्या करेंगे भाई साहब, तो क्या करें कि एक कैपेसिटर कैपेसिटी वैल्यू लगाए ताकि आप अपने पावर फैक्टर को इंक्रीज करिए बढ़ाइए, समझे ना, तो किसी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं, एकदम पक्का बात याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर मोटर की तरह बिहेव करता है, ये बात हम आपको लिखा दी, समझ लेना आपको, अब हमें लगता है कि स्टार्ट करने का दोनों विधि इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज हम आपको बोल रहे हैं इसके लिए लाइन में लिखा हुआ है ये आप लिख लीजिएगा, आपको हर कोई जरूरी नहीं है ये हर चीज मिलेगा, ठीक है ना, हम आपको समझा रहे हैं ये बात आप भूल जाएंगे आप लिख लीजिएगा, और हर बात हम लिखाएंगे क्या, देखिए पढ़ने का तरीका आप सही से कि नहीं एकदम प्रवचन सुन रहे हैं अंतिम, अगर आप क्या प्रवचन सुनते समय आप जो कथा वाचक होता है बोल रहा है बाकी लोग कोई खड़ी मारा कोई मोबाइल की बात वाट्सअप कर रहा है तो समझ रहा है कि हमारे ध्यान नहीं दे रहा, तो आपको बोलेगा बोलिए श्याम रामचंद्र की जाए, सब आदमी हो जाता है, तो ये नहीं करना पड़े हमको, आप सत्संग नहीं सुन रहे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेट रहिए हर एक बातों को हम जो बोलते हैं भाई एक बार उसको समझ लीजिए, दो घंटे की एक घंटे की कहानी होती है उसमें भी आपका ध्यान कहीं और होता है, हम कहीं और ध्यान कहीं और, ठीक है, वो वाला कहानी है कि हम बैठे बोला पे मन चल गया थोड़ा पे, ऐसे नहीं होगा पढ़ाई, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, नहीं तो झूठ रहेगा बैठा रहेगा बोला पे मन किसी और करेगा, कुछ नहीं वाला कोई काम नहीं देगा, समझने वाला कोई ध्यान लेकर नोट करिए, क्लीन कर देते हैं, चलिए हो गया आगे बढ़े, देखिए इंपॉर्टेंट सेशन है नंबर दो, नंबर एकदम खाते में लिखा हुआ है एकदम समझ लीजिए, नहीं तो आप खाते में चले जाएगा एकदम घाटे में रहिएगा कहीं रहा बाद में, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट बात क्या करा है एक एक करके समझिए, एक वर्ड आया आपका हंटिंग या स्विंगिंग, देखिए हंटिंग किसी मोटर में हंटिंग या स्विंगिंग की वजह से क्या होता है मोटर शोर करता है, शोर मतलब आवाज करता है, जाइए इंडक्शन मोटर वगैरह चलता होता है तो देखते होंगे कि बहुत ज्यादा स्वाइंग आवाज करता है, अगर हमिंग आवाज करता है तो हंटिंग क्या होता है समझिएगा, हम आपको समझा रहे हंटिंग थोड़ा समझिएगा एक करके, आपको समझाएंगे बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पा रहे हैं और आपके क्वेश्चन लगभग सभी बनने वाले हैं, एक बात याद रखिएगा, शुरुआत है ये देखिए आपका सिंक्रोनस मोटर है उसको चलना चाहिए स्टेटर के स्पीड और रोटर के स्पीड के समान चलना चाहिए, है ना भाई, ये जो जिस स्पीड से स्टेटर चलता है स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसी स्पीड से रोटर का भी पूर्ण घूमना चाहिए, तो रोटर और स्टेटर समान तरह से चलेगा तो सिंक्रोनस स्पीड होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ध्यान दीजिएगा ये स्टेटर के स्पीड और रोटर के स्पीड पर जैसे लोड डालते हैं, मान लीजिए ये चल रहा है आप क्या कर दिए अचानक लोड डाल दिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि जिस गति से आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप चला रहे हैं आपका दोस्त कोई जा रहा है आपको बताया नहीं एकदम पीछे से कैरियर पे फान के चल गया एकदम कूद के चल गया, अब जिस स्पीड में आप जा रहे थे तो क्या स्पीड खत्म हो जाए, मतलब जिस स्पीड पर चल रहे थे मान लीजिए कि आप 150 की स्पीड पर चल रहे हैं 150 बहुत ज्यादा हो गया साइकिल पर नहीं होगा, तो मान लीजिए 20 की स्पीड पर आप चल रहे हैं, ठीक है, वो आदमी चल गया तो तुरंत स्पीड घट गया 15 की स्पीड तो डिफरेंस कितना हो गया 5 का डिफरेंस हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस हो गया, तो वहाँ पर डिफरेंस तो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि इसके स्टेटर पार्ट रोटर पार्ट में क्या देते हैं मैकेनिकल लोड देते हैं, तो ये जब चल रहा होता है जैसे मैकेनिकल लोड दीजिएगा तो इसमें लोड पड़ जाएगा तो भाई दोनों साथ साथ चला था कोई लोड नहीं था लेकिन साथ साथ चल रहा था, जैसे लोड पड़ा तो थोड़ा सा पीछे स्विंग है, अब इस स्थिति में क्या गया इसका स्टेटर स्विंग कर गया, स्विंग मतलब समझते नहीं आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया पैसा पकड़ लिया पकड़ लिया थोड़ा पीछे, इसी तरह से इसके जो स्टेटर का घूमने का पोल है और इसके रोटर के घूमने के पोल के बीच में अल्फा डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, क्या अल्फा डिग्री का डिफरेंस हो जाता है,
तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा तो याद रखना जब ऐसा आएंगे मान लीजिए ऐसा सीधा अकड़ा क्लियर कर दीजिए साहब आप समझ लो हवा घुसेगा हवा का एकदम ऐसा रुकावट रुकावट होगा जैसे मान लीजिए देखिए अरे भाई गलत चीज करो ये अरे ये अभी साथ साथ है ऐसा मान लीजिए हवा घुसेगा सीधा ऐसा निकलेगा लेकिन मान लीजिए ऐसा है और ये ऐसा है तो हवा देखिए ऐसा करके जाएगा तो हवा जब इस तरह से जाएगा तो क्या होगा एयर हो जाएगा एयर का बाईपास में प्रॉब्लम हो गया एयर भी बाईपास में जब एयर प्रॉब्लम होता है तो एक आवाज करता है ना एक आवाज सुनाई देता है कि देता है आपको जब खिड़की में किसी घर में या कहीं गाड़ी पर या बाइक पर चलते हैं तो आपके बीच से आवाज निकलता है आवाज करता है तो ये जो होता है ना ये इसको क्या करता है हंटिंग तो ये हो गया लोड की वजह से इसके वजह से स्विंग कर लिया है हंटिंग या स्विंग की बात है अब फिर स्विंग की बात है ये बढ़ गया इसका मतलब ये स्टेटर स्विंग करके आगे बढ़ गया पीछे पड़ गया ये रोटर रोटर और स्टेटर के पोल के बीच में कुछ एंगल बन जाता है ये पीछा चलता है थोड़ा सा पीछा होने की वजह से ये आवाज करता है क्या करता है आवाज करता है जिसको हम लोग हंटिंग बोलते हैं हंट इसने बोलते हैं आपको समझ आया जैसे आपको मान लीजिए हमें एग्जांपल बताएं कि बहुत स्पीड चल रहा है और साथ साथ चल रहा है आपको लोड दे दिया एक आदमी पीछे हो गया आप पीछे हुआ आगे आ गया आपके पीछे क्या बन गया हवा ऐसा सीधा घुसेगा दो आदमी साथ साथ होते हैं साथ साथ ऐसा होगा हवा ऐसा घुसा जाएगा ये स्थिति हो जाता है इसी को स्विंग या हंटिंग कहते हैं स्विंग या हंटिंग के दौरान क्या होता है स्टेटर को रोटर के बीच क्या होता है कौन बनता है जिस कोण को हम रिटार्डेशन एंगल कहते हैं रिटार्डेशन मंदन मन थोड़ा पीछे हो जाता है रोटर वाला ये बात समझ क्या देखना ठीक है ना ये बात याद चलता गया इसलिए आप यहाँ पर गमा लिखा है समझेगा ये लोड एंगल करते हैं इसको क्या होता है लोड एंगल कि लोड बढ़ाने का ना लोड बढ़ाने के कारण ये आपको एंगल के बीच थोड़ा एंगल बना जिसे लोड एंगल के नाम से भी जानते हैं ये कब होता है कौन सा स्विंग सिंक्रोनस मोटर में होता है वैसे इंडक्शन मोटर में तो होता है ये बात है लेकिन ये सिंक्रोनस पे चलने वाला था ये पीछा होगा तो बवाल हो जाएगा ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए हर गाड़ी आपको जैसे लोकल ट्रेन है वो रुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन राजधानी एक्सप्रेस जाने में वहाँ रुक जाएगा तो एकदम प्रॉब्लम आ जाएगा पेपर मीडिया में आ जाएगा राजधानी एक्सप्रेस फलाने स्टेशन पर रुके है कि नहीं तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सिंक्रोनस पर चलने वाले पीछे इंडक्शन मार्क वाले वही कहता है उसको ध्यान नहीं भाई उसका लेकिन एक्टिव जो चीज़ है वहाँ पर बदलेगा तो बदलाव देखा जाता है आपसे चलिए थोड़ा आगे इसको लिख देते हैं क्लीन कर देते हैं समझ ना सिंक्रोनस पोल और रोटर पोल के बीच में जो कोण बना लोड एंगल कहलाया ये लोड एंगल लोड की वजह से होता है और उस स्थिति में रोटर का जो पोल है थोड़ा सा स्टेटर के पोल से क्या होता है पीछे हो जाता है उसको क्या बोलते हैं आंटी को दो पोल है भाई ऐसा एग्जाम आपको ये मैंने साथ साथ तो कोई दिक्कत नहीं साथ चल रहा है ये स्टेटर वाला है ये रोटर आर वाला है अगर क्या होता है थोड़ा सा रोटर वाला पीछे जाता है तो इसका जो ऐसा डाउट ये वाला ये इसके बीच में ये वाला पोल एंड हो जाएगा ये ऐसा थोड़ा सा पीछे पड़ गया ना ऐसा एंगल बना दिया ये आपको दिखा दिया चलिए आगे थोड़ा सा क्लीन करते कराया कि लोड के कारण मोटर की स्पीड में क्षणिक परिवर्तन होता है यानी समझिए हमने क्या कहा जैसे लोड रहेंगे तो आपका रोटर और स्टेटर दोनों साथ साथ चला था लेकिन रोटर लोड रहा था रोटर थोड़ा सा पीछे हो गया थोड़ा सा पीछे हो गया जितना पीछे हो गया उतना ही बड़ा होने लगा ठीक है तो उसके पीछे थोड़ा आगे पीछे हो गया ये क्या कहता था आपका हंटिंग कहलाता है क्या कहता है हंटिंग कहलाता है स्विंग कहलाता है ठीक है इसकी वजह से क्या सिंक्रोनस मोटर में लोड के बढ़ने के कारण रोटर पोल और स्टेटर पोल के बीच एंगल फील्ड बढ़ जाएगा लेकिन लोड जितना ज्यादा बढ़ेगा तो हंटिंग और स्विंग कारण ये वाला कौन क्या करेगा थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा लोड जैसे बढ़ेगा खूब लोड बढ़ेगा तो स्टेटस पर पीछे हो जाएगा रोटर वाला तो उतना पीछे चलेगा हमेशा ऐसा नहीं कि छोड़ेगा थोड़ा पीछे हो जाएगा एंगल क्या बढ़ जाएगा लोड के बढ़ने से जो लोड एंगल है क्या बढ़ जाएगा जब लोड कम होगा तो अल्फा डिग्री का मान क्या करेगा हमने कहा इसको अल्फा डिग्री बोलते हैं तो लोड बढ़ने के साथ अल्फा डिग्री का मान क्या होगा चाहे लोड को कम होने से लोड डिग्री कम होगा ये ऐसे पकड़ना शुरू करेगा कि भाई भारी लोड दे देगा तो सामने वाला साथ साथ जिस पर लोड नहीं है उसके साथ चलने में तो दिक्कत है लोड कम कर दिया एकदम पकड़ा के करेगा पकड़ने की कोशिश करेगा जब लोड अधिक हो जाएगा तो अल्फा डिग्री का मान अल्फा डिग्री ये अल्फा डिग्री है ना ये वाला अल्फा डिग्री का मान कम होगा ये दोनों साथ साथ चलने की कोशिश करेगा एकदम देखिए समझ आप एक एक करके समझ अल्फा डिग्री क्या होता है इसी को क्या करते हैं रिटार्डेशन एंगल कहते हैं रिटार्डेशन यानी मंदन कोण मंदन कोण का मतलब स्टेटर की स्पीड की तुलना में रोटर का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया स्लो मतलब थोड़ा पीछे हो गया ठीक है चलिए इसको क्लियर करें लेकिन आइए अब एक चीज हम समझते हैं इसमें एक बहुत अच्छा खासियत है इस मोटर का जैसे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पहले क्या करते थे अपना ये पढ़ते थे इंडक्शन मोटर नहीं थ्री फेज सप्लाई होता था और इसके अंदर में रोटर होता था और ये जो काम करता था तो ये इंडक्शन की तरफ काम करता था इस पर इंडक्शन से ज्यादा काम करता था इंडक्शन से ज्यादा मतलब इसका प्रोसेस को काटता था और इसमें बैक पैदा होता था और लेज लगे पड़ी इसमें टॉर्क पैदा होता था बड़ा पैदा होता था यानी हीट की वजह से ये क्या करता घूमता था लेकिन इसमें क्या होता था जो स्टेटर स्पीड था और रोटर का स्पीड था ये क्या होता था स्लिप करता था जब स्लिप करता था तो मान लीजिए इसका स्पीड रोटर पर काट देता था तो रोटर में पैदा होता था एक बैक में ये भी पैदा होता था एक काटने से एक काटने की वजह से इसमें से करंट पैदा होता था ईवी पर वोल्टेज पैदा होता था और इसमें से ईवी और ईवी की वजह से क्या होता करंट पैदा होता था तो ये क्या होता था कि स्टेटर वाला प्लस रोटर वाला प्लस का पीछे हो जाएगा और पीछे हो जाने के बाद ये जो इसका करंट है वो एक अलग तरह का बिहेवियर करेगा इंडक्शन तरह का बिहेवियर करेगा तो ये आपका इंडक्शन मोटर था तो ये जो काम करता था तो पीछे पड़ जाने का मतलब इसकी वोल्टेज इसके बीच में क्या होता लैगिंग होता था लैगिंग मतलब इसके वोल्टेज करंट के बीच में लैगिंग होता था तो हम कहते थे कि इंडक्शन मोटर कोई भी इंडक्शन मोटर उसमें पावर फैक्टर कहता लैग कर जाता बस काम नहीं करता पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणा पश्चगामी का होगा लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर जो होता आर और जेड का रेशियो होता था यानी आर और जेड कॉस फाइबर ऑफ करते हमारा आर अपन जेड का जो रेशियो होता था वो क्या होता इसमें होगा इस पावर फैक्टर का लगेगा कॉस 5 लेकिन इंडक्शन मोटर में लैगिंग करेगा लेकिन बड़ी अच्छा खासियत है सिंक्रोनस मोटर का हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ना पावर फैक्टर लीडिंग भी होता है लैगिंग भी होता है यूनिटी भी होता है इसको भी समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है इससे एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा पक्का यहां से एकदम देखिए क्वेश्चन जाकर देखिएगा पढ़ने के बाद एकदम ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा देखिए क्या करें अपना क्या सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस मोटर है इसके अंदर भी हम क्या करते थे ऐसा ये अपना क्या है रोटर है और ये सारा का सारा स्टेटर है इसमें हम क्या देते थे सप्लाई देते थे इसका डीसी सप्लाई और इसके स्टेटर में जो सप्लाई देते हैं भाई ये आर वाई बी यानी तीन फेज का सप्लाई देते हैं चलिए बात समझ अगर ये सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करता तो एक समझिए इसका जो एन बनता और इसका जो एस बनता दोनों क्या होता एक साथ साथ होता तो इसके जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं वी वोल्टेज डीसी और इसकी वजह से यहाँ पर जो प्लस करता तो जो ईवी पैदा होता ये अगर साथ साथ चलता तो ईवी बराबर वी होता ये बात आपको तैयार समझना चाहिए ऐसी स्थिति में अगर कोई भी एंगल कोई भी आगे पीछे को नहीं होता तो ये सामान्य स्थिति में चलता सामान्य स्थिति का मतलब जो एक्साइटेशन वोल्टेज वी दिए और जो आपकी वजह से ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वजह से ये क्या है अभी कट नहीं रहा है साथ साथ चल रहा है तो ये ईवी जो बनेगा व्यक्ति में ये दोनों आपस में बराबर होगा अगर ईवी बराबर वी समझिए बात अगर ईवी बराबर वी अगर हो जाता है ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं हम नॉर्मल एक्साइटेशन क्या बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन समझिएगा बात को नॉर्मल एक्साइटेशन यानी सामान उत्तेजना एक्साइटेशन ठीक है लिखाएंगे समझ लीजिए अगर ईवी बराबर बी हो जाए ऐसे कंडीशन में नॉर्मल एक्साइटेशन होगा और इसके यानी फोर्स की कमी के द्वारा जो ईवी पैदा होगा और इसका जो सप्लाई के लिए एक्साइटेशन वोल्टेज है ये दोनों बराबर होगा इसके बीच के जो डिफरेंस होगा एंगल होगा वो जीरो डिग्री का डिफरेंस होगा कितने डिग्री का
जितने दिन का कोण 90 डिग्री सॉरी 0 डिग्री का एक्स एक्सिस होगा. आपको बता दें इन दोनों के बीच अगर 0 डिग्री का डिफरेंस होगा तो ये किस तरह का बिहेवियर करेगा, समझिएगा बात को. ये अगर cos phi का मान 0 हो जाए, कहने का मतलब तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा. ये कौन सा कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन होगा ये सब. लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, प्लेन में लिखा है समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट. अगर EB अगर बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, EB अगर बड़ा हो जाए और V क्या है छोटा हो जाए, ऐसी स्थिति में एक्साइटेशन से ये वाला EB क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा. एक्साइटेशन जो हम लोग दे रहे हैं उत्तेजना के अलग से किसी सप्लाई दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं, इससे अधिक फ्लक्स करता है, लोड जाता है, लोड की वजह से ये क्या होगा पीछे पड़ जाता है, इसका फ्लक्स छोटा काट देता तो क्या होता, ऐसी स्थिति में ये EB होगा वो अभी से बड़ा हो जाएगा. तो इसको हम लोग इसी स्थिति में क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेशन बोलेंगे. अगर कभी कभी क्या होता है समझिएगा, ये कम पड़ जाता है अधिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ये अगर कम पड़ जाएगा EB बराबर कम पड़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा अधिक हो जाएगा, यानी ऐसा कंडीशन हो जाएगा, यानी EB बड़ा हो जाएगा. ये ऐसे कंडीशन में क्या ये कम हो जाएगा अधिक हो जाएगा, वो अंडर एक्साइटेशन करेगा. क्या करेगा, अंडर एक्साइटेशन, यानी ये वाला एक्साइटेशन से कम हो गया, ये सप्लाई मेन वाला EB जो इससे वजह से छोटा बनेगा, EB और अपना वोल्टेज सप्लाई V है, तो V बड़ा हो जाएगा और ये छोटा पड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कम पड़ जाएगा ना, मेन वाला EB कम पड़ जाएगा, ऐसे स्थिति में अंडर एक्साइटेशन करेगा, एक्साइटेशन से जो कार्य कम हो जाएगा. समझे बात को, एक बात समझिएगा, ऐसी स्थिति में दो चीजें होती हैं. एक बार मोटर कभी कभी क्या होता है, इस रोटर के स्पीड से स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कभी आगे चल जाता है, ये ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में होता है. ओवर एक्साइटेशन मतलब अति उत्तेजित हो जाता है, अति उत्तेजित होने का मतलब उस समय NS के स्पीड से भी NR का स्पीड बढ़ जाता है. समझे ना, ये कंडीशन होगा लीडिंग पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेशन. आई लाइन टू लाइन अगर बात करें यहां पर थोड़ा सा आपको समझाएं किसको क्या बोलेंगे, किससे किसको अधिक और कम करेंगे, तो कौन सी स्थिति में पावर फैक्टर कैसा बनेगा. हम आपको बताएं जब ओवर एक्साइटेशन दो चीजें होती है, नॉर्मल में जीरो होता है, जब आपको अंडर एक्साइटेशन होगा, अंडर एक्साइटेशन की स्थिति में लैगिंग होगा. क्या बोल लैगिंग, भाई अंदर हो जाएगा आगे पीछे हो जाएगा, इंडक्शन मोटर का काम कर लेगा, तो इंडक्शन मोटर की तरह का थोड़ा सा काम करके आगे पीछे अगर रोटर हो गया तो इसका मतलब इसका फ्लक्स इसको काट देगा, ऐसी स्थिति होना नहीं चाहिए, ये आगे पीछे होना नहीं चाहिए, इंडक्शन मोटर नहीं बचेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा. अगर ओवर एक्साइटेशन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग होगा. याद रखिएगा, ये याद रखना चाहिए. हम लाइन में बात करें, यहां पर दिखाते हैं, ये देखिए कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में, ये लाइन लीजिएगा भाई, कॉज ऑफ पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं. क्या लिखा है, कॉज ऑफ पावर फैक्टर, यानी सबसे पावर फैक्टर के कारण, पावर फैक्टर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कैसे पावर फैक्टर का जो बात चलेगा. क्या करना है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर में V, अभी अभी पीछे चला वो देख लीजिएगा फोटो करके, V EV के परिणाम वोल्टेज के कारण I एम्पीयर का करंट क्या होता पड़ जाता है. हमने क्या कहा, कैसे समझ लाइन दी भाई, ये अपना रोटर है और ये अपना स्टेटर है, ऐसी स्थिति में EB और V की बात करें, इसी समय भी देंगे उसमें क्या करें कि V और EB के परिणाम वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर बदल जाएगा परिणाम वोल्टेज का I एम्पीयर करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, जब करंट बढ़ जाएगा तो इसी स्थिति में दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज खींचा डिग्री से जाएगा, लैग कर जाएगा, और लैग कर जाएगा तो इंडक्टिव वाइंडिंग की तरह काम करेगा, और इंडक्टिव वाइंडिंग की तरह काम करेगा जिसका जो इतना डिग्री 90 डिग्री का लैग कर जाएगा, इंडक्शन में जो इंडक्टर वाला 90 डिग्री लैग करेगा वो करें, कहा कि ये जो डिग्री लैग करेगा, यानी मान लीजिए कि EB और V के बीच में लीडिंग लाइन होगा, उसके बीच में कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर रिटार्डेशन एंगल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन एंगल, यानी मंदन कोण बोलेंगे. ठीक है, इसी याद रखिए, एक ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर कंडेंसर की तरह लीड करता है. ओवर एक्साइटेशन याद रखिएगा, ओवर एक्साइटेशन में जब कोई मोटर चलता है तो वो क्या करता है, सिंक्रोनस मोटर की तरह तो काम चलता है, चलता है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कंडेंसर की तरह लीडिंग पावर फैक्टर देता है. ये देखिए कह रहा है कि ओवर एक्साइटेशन में अति उत्तेजित अगर कोई अच्छी हो जाता है तो लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है. कह रहा है कि अब यहाँ पर हमको लाइन लाइन दिखा रहे थे, बोले थे कि नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब है कि EB बराबर V, समझिएगा ये आपको एकदम ऑप्शन में लिख देगा कि EB और V अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्साइटेशन होगा. अभी आपको बताएं नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, और नॉर्मल एक्साइटेशन में जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगा, इकाई होगा, क्या होगा, इकाई PF होगा. यहाँ पर लिखा गया यूनिटी पावर फैक्टर मतलब इकाई शक्ति गुणांक होगा इसका. ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर ये अंडर एक्साइटेशन हो जाएगा, अंडर एक्साइटेशन का मतलब क्या, EB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, EB कम हो जाएगा और V क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर देगा, और लैगिंग पावर फैक्टर देगा यहाँ पर. और कह रहा है कि यहाँ पर दो चीजें, अगर EB बड़ा हो जाए, EB मतलब जो सप्लाई इसकी वजह से रोटर में कटता था और बैटरी में पैदा होता था, वो जो EB है ये एक्साइटेशन वोल्टेज V से क्या हो जाएगा, अगर अधिक हो जाएगा ऐसी स्थिति में जो ओवर एक्साइटेशन कराएगी, देखिए देखिए यहाँ पर, यानी EB बड़ा हो जाएगा और V क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ओवर एक्साइटेशन हो जाएगा. क्या जाएगा, ओवर एक्साइटेशन हो जाएगा. ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में पावर फैक्टर क्या लीडिंग होगा, क्या लीडिंग होगा. तो आपको इतना चीज कुछ भी याद नहीं रखना, ये चीज तो आपको याद ही है, समझ में आ गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देते, आप लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको बता दें, ऐसी सब लीजिए याद रखिए. ठीक है, आगे आपको बता देना, क्या करें कि अगर आपको कंपेरिजन करने की बात आए, कंपेरिजन करने की बात आए तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा. देखिए एक इंडक्शन मोटर होता है और एक सिंक्रोनस मोटर, आई एम मतलब इंडक्शन मोटर और एस एम मतलब सिंक्रोनस मोटर. ऐसी स्थिति में अगर बात करें, देखिए जब सिंक्रोनस मोटर की पावर फैक्टर पीएफ की बात करें तो ये क्या इसमें लैगिंग होगा, याद रखिएगा लैगिंग पावर फैक्टर चलेगा इंडक्शन मोटर, नाम ही इंडक्शन है, प्रेरण के सीधा काम करता है तो पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग चलेगा, क्योंकि वोल्टेज करंट जो है दोनों डिफरेंस 90 डिग्री होगा, लेकिन वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे का चलेगा. लेकिन ये जो है सिंक्रोनस मोटर में लैगिंग भी चलेगा, लैग भी होगा और लीड भी होगा और यूनिटी पावर फैक्टर पर भी चलेगा, यानी इकाई पावर फैक्टर यूनिटी पीएफ पर भी चलेगा. लेकिन याद रखिए इंडक्शन मोटर में जो होता है वो एनएस जो होता है, एनएस बड़ा होता है एनआर से, मतलब रोटर का स्पीड स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र का स्पीड है वो बड़ा होता है रोटर का स्पीड छोटा होता है. लेकिन जब सिंक्रोनस स्पीड चल रहा होता है सिंक्रोनस मोटर में, एनएस बराबर क्या होता है एनआर होता है, मतलब जिस गति से आपका चुंबकीय क्षेत्र का गति घूमेगा उसी गति उसी स्पीड से रोटर भी घूमेगा, रोटर भी घूमेगा, इसको हम क्या बोलेंगे सिंक्रोनस बोलेंगे. याद रखिएगा कि जो भी इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रीज में करते हैं वो पावर फैक्टर लैगिंग देता है, लेकिन इसके पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए कैपेसिटर मोटर के नाम से जानते हैं. क्या करते हैं, कैपेसिटर मोटर के नाम से जानते हैं, हमेशा याद रखिएगा. थ्री फेज सप्लाई, अभी बात में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन मोटर क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग होता है, लिख लीजिएगा भाई हिंदी में लिखना है जिसमें लिखना लिख लीजिएगा, दोनों लाइन लिखकर शॉर्ट कट लिखा है, लेकिन बोल रहा है उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो कहीं नोट नहीं बन रहा है. अब कैसे बन रहा है, अब यहां बोलेंगे इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्या होता है सेल्फ स्टार्टिंग, इसमें क्या करेंगे सप्लाई दीजिए ये क्या करेगा स्टार्ट हो जाएगा, जिस स्थिति में चलना है एनएस एनआर का स्लिप होगा चलता बनेगा. लेकिन अगर इसे सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मतलब स्व उत्तेजित नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग
नहीं होता है लिख लीजिएगा बोल रहे हैं लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है नीचे लिखा गया है नहीं दिखेगा तो लिख लीजिएगा एक तरफ सिंक्रोनस मोटर एक तरफ इंडक्शन मोटर सिर्फ स्टार्टिंग होता है लेकिन इसको सिर्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है सिर्फ स्टार्टिंग नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर याद रखिए सिंक्रोनस मोटर आप देखिए एक चीज और आप कंप्लीट लिख सकते हैं आपको इतना बोले तो समझ में आ ही गया कि इंडक्शन मोटर में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई दिया जाता है क्या दिया जाता है एसी सप्लाई दिया जाता है और याद रखिएगा और सीधा सा बात करें तो जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें एसी और डीसी यानी एसी और डीसी दोनों सप्लाई दिया जाता है इसको लिख लीजिएगा क्या सिंक्रोनस मोटर में एसी सप्लाई और डीसी दोनों दिया जाता है एक्साइटेशन के लिए डीसी दिया जाता है और सप्लाई के लिए थ्री फेज एसी दिया जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सिर्फ स्टार्टिंग करना इसके स्टार्ट करने के बाद कोई जुगाड़ लगाया जाता है लेकिन सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने के लिए बाद से जुगाड़ लगाया जाता है ठीक है ये थे आपके परिणाम की ओवर सैटिस्फैक्शन कौन से दिन कौन सा काम करेगा और कंपनी जो है आपका ये देख लीजिए फिर इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको सामने आकर दिखाएंगे तब तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे तब तक के लिए धन्यवाद।